वेलकम दोस्तों सभी का हमारे YouTube चैनल कानून की आवाज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मेरे व्यूवर्स ने एक बहुत ही मजेदार सवाल पूछा है। उन्होंने कहा कि लिव इन रिलेशनशिप में अगर दोनों की बीच में बच्चा पैदा हो जाता है तो ये जिम्मेदार कौन है, इनमें से दोनों में से कौन जिम्मेदार है। दोस्तों सबसे पहले तो आपके दिमाग में से ये ख्याल निकाल देना चाहिए, अगर वो लिव में रहता है तो उन्हें पहले बात तो बच्चा पैदा करने की सोच नहीं सकता, सोचना नहीं चाहिए। अगर इस तरह लिव में रहते हुए बच्चा पैदा करने की सोच लेगा तो ये जनसंख्या कहाँ से कहाँ चली जाती है। इसलिए दोस्तों अगर कोई लिव में रहता है, लिव इन रिलेशनशिप में रहता है तो उसे बच्चा पैदा करने की दिमाग में से नहीं होनी चाहिए। अगर बच्चा गलती से पैदा हो जाता है तो दोनों की उस व्यक्ति जिम्मेदार है, दोनों व्यक्ति उस बच्चे के माँ बाप है, दोनों ही इसके जिम्मेदार है। ये एक मेरे व्यूवर्स ने पूछा है। इसलिए दोस्तों अगर कोई भी व्यक्ति प्यार मोहब्बत करता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, लिव इन रिलेशनशिप में रहता है, अगर उनके गलती से शारीरिक संबंध बना लेते हैं या गलती से कुछ कर बैठते हैं और उनको बच्चा पैदा हो जाता है तो उनके बच्चा जो पैदा होता है उनकी जिम्मेदारी दोनों की होती है, दोनों ही उस बच्चे के जिम्मेदार पर्सन है, दोनों ही उस बच्चे के माँ बाप है। इसलिए दोस्तों अगर आप ऐसा करते हैं तो उनकी जिम्मेदारी आप दोनों की है, आप दोनों ही उसके माँ बाप हो सकते हैं। लेकिन बहुत सारे इस प्रकार के मैंने मामले देखे हैं, अगर ऐसा हो जाता है तो लड़की कई बार ये बदल देती है, ये कर देती है कि ये मेरे से ज़बरदस्ती में इनसे ज़बरदस्ती करके मेरे साथ ऐसा किया है जिससे मैं गर्भवती हो गई है। लेकिन दोस्तों मेरा जो थंबनेल है उससे आपको साफ जाहिर होता है कि लिव इन रिलेशनशिप में अगर बच्चा पैदा होता है, प्यार या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड दोनों प्यार करते हैं, उनको बच्चा पैदा हो जाता है तो उन दोनों की जिम्मेदारी उनकी है। इसलिए दोस्तों अगर ऐसा होता है तो दोनों ही उनके माँ बाप है। इसलिए दोस्तों अगर ऐसे नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।